एक्टिंग एज वी ऑल नो इज अ परफॉर्मिंग आर्ट जिसमें मुख्तलिफ जेस्चर्स की मदद से स्टोरी के एक फिक्शनल कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया जाता है फॉर थिएटर फिल्म टेलीविजन एंड रेडियो। एक कैरेक्टर को स्क्रीन पर पोर्ट्रे करने से पहले एक एक्टर को पहले पूरे तरीके से उसे स्टडी करना पड़ता है ताकि वो उसकी आदतों को अडेप्ट कर सके। लेकिन कभी कभी कुछ एक्टर्स कैरेक्टर को इतनी डेप्थ में स्टडी करते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस तो अच्छी हो जाती है लेकिन बाद में उस कैरेक्टर से बाहर निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इन एक्टर्स में आते हैं सिल्वेस्टर स्टालोन जिन्होंने रॉकी की फोर्थ इंस्टॉलमेंट की शूट के दौरान अपने फेलो एक्टर को उन्हें इतना जोर से पंच करने का कहा था दैट इट लैंडेड हिम इन ICU फॉर 9 days। फिर आते हैं एड्रियन ब्रॉडी जिन्होंने द पियानिस्ट के लिए तकरीबन 30 pounds लूज किए थे और तो और उन्होंने इस रोल के लिए अपनी सारी चीज़ें बेच दी थी। और आखिर में आते हैं हीथ लेजर द फेमस एंटैगनिस्ट ऑफ द फिल्म द डार्क नाइट। इन्होंने अपने रोल की प्रेपरेशन के लिए अपने आप को तकरीबन 1 महीने के लिए एक होटल के कमरे में बंद कर दिया था और इन्होंने उस दौरान किसी से भी ताल्लुक नहीं रखा था। कहा यह भी जाता है कि उनकी डेथ की वजह कहीं ना कहीं ये रोल था क्योंकि इस फिल्म के बाद उन्हें इंसोम्निया हो गया था जिसकी वजह से वो स्लीपिंग पिल्स लेने लगे थे जिसका ओवरडोज उनकी सडन डेथ की वजह बना।